अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आलू की माँ। पहले मैंने प्याज डाले, उसको सोते किया है, और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ मैंने एक टमाटर डाला है, और ये खड़े मसाले हैं, तेज़पात, दालचीनी और मोटी इलायची। ये मैंने 3 पाव बीफ का कीमा है वो डालने लगी हूँ। इसकी अच्छे से बनाई करते हैं, इससे ना अच्छा बनता है। वैसे पानी डाल के बनाए ना, तो पहले मशीन बारीक मशीन का कीमा है ना, तो वो अच्छा नहीं बनता, ऐसे उसका जायका अच्छा नहीं रहता। इसको पहले मैं भून लूँगी, फिर बाद में आलू डालेंगे। ये सुरख मिर्च, ये साबुत जीरा, ये कुटी मिर्च, ये गरम मसाला, और ये हल्दी। ये नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल, साथ में आलू डालने लगी। इस तरह हांडी भी जल्दी बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता और जायका भी अच्छा बनता है। पानी में गलाने का ना जायका अच्छा नहीं बनता। थोड़ा सा फ्रूट मंगाया था, यानी कि अनार, तो मैंने आपके बच्चों के लिए थोड़ी सी काट लूँ, निकाल लूँ। मेरे छोटे बच्चे ना पोती पोता बहुत शौक से खाते हैं, उसको बहुत पसंद है। ऐसे काट के ना ऊपर से ऐसे किसी चीज़ के साथ ऐसे करें ना, तो जल्दी निकल आते हैं। मेरी फाइनली बन गई है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। मेरी डन हो गई, फाइनल लुक मेरे खाने की।